तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ अपने स्टूडियो में, और जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी ड्राइंग भी लगी हुई है, और दूसरा यहाँ पे ये सेम कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ढोल के साथ में आपको दिख रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, सत्रह एड वाले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कुलवीर राजपूत, और आज हम एक और मज़ेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, वो भी 3D से रिलेटेड, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन से रिलेटेड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से 3D एनिमेशन कैरेक्टर तैयार करते हैं, उसका पूरा वीडियो तैयार करते हैं, और किस तरह से उसको फिर प्रमोट हम करते हैं, और वो कितना इंटरेस्टिंग एक बन के निकल के आता है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा का पूरा आपको पूरा प्रोसीजर से होते हुए पूरा एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंड तक जरूर देखिए। तो अभी हमारे क्लाइंट है जिनकी ना क्या है, कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स उनके आते हैं, कुछ बच्चों के चटपटे नमकीन वाले उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। फन एंड फूड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है। तो इन्होंने इनकी डिमांड क्या थी कि इनको थोड़ा सा एक ऑफर, क्योंकि अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इनको ना एक ऑफर चलाना था अपने कस्टमर के लिए, या फिर अपने जो भी इनके डीलर हैं या फिर दुकान वाले हैं, जो भी इनका सामान कस्टमर तक पहुँचाते हैं, एक्चुअली जो कस्टमर तक इनका पूरा सामान पहुँचाते हैं, दुकानों तक ले जाते हैं, उनके लिए इनको एक ऑफर वीडियो चलाना था। तो उसके लिए हमने पूरा इनके लिए सबसे पहले क्या है, स्क्रिप्ट हमने तैयार की। स्क्रिप्ट में हमने जैसे जैसे सारी चीज़ें दिखाई हैं वो आपको वीडियो में दिखी जाएंगी किस तरह से हमने लिखा है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है कि उसमें है मेन जो कैरेक्टर है, वो तीन चार कैरेक्टर हैं। तो कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक डिज़ाइन होता है पूरा। हम पूरा हमारे पास, क्योंकि क्या है, हमारे पास कैरेक्टर की डिज़ाइन टीम है, क्योंकि हम किसी और का तो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू भी रहता है, और वो सही भी नहीं लगता है, थोड़ा यूनिक देते हैं तो ही हमारे पास आप जैसे क्लाइंट्स निकल के आते हैं। तो जैसे मैं दिखाता हूँ कि इसमें हमने ना दो ढोल वाले भी बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पहले हमने इनको स्केच किया है, एक रफ हम स्केच करते हैं। तो ये एक ढोल वाले बनाए हैं जो उनके ऑफर को पूरा एक पूरा स्ट्रीट में या फिर एक पूरे मोहल्ले में सुना रहे हैं, एक वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। और दूसरा कैरेक्टर है एक दुकान वाला, एक कैरेक्टर है, एक हमने फेरी वाला जो साइकिल पे सामान या फिर जो बाइक पे जो सामान ले जाते हैं दुकानों तक पहुंचाते हैं, उनके हमने दो तीन कैरेक्टर बना के रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको अपने पूरा स्टूडियो में लेके चलूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको हमने पूरा एनिमेट किया है, किस तरह से हमने इनको कलर दिए हैं, किस तरह से उनको निकल के आए हैं चीजें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, और फिर आगे का प्रोसेस हम वहीं पे देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ अपने स्टूडियो में, और जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी ड्राइंग भी लगी हुई है, और दूसरा यहाँ पे ये सेम कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ढोल के साथ में आपको दिख रहा होगा। ये आपको 360 व्यू में हमने आपको दिखा दिया है किस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है। धोती कुर्ते हुए, कुर्ता पहने हुए पूरा टोटल, इसमें नेहरू जैकेट हमने डाली है, और हाथ में जो एक प्रॉपर राजस्थानी लुक वाला जो होता है वो हमने इसमें डाला है। अब ये दूसरा कैरेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो एक दुकानदार का कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा हमने बनिया वाला लुक दिया है इसमें, थोड़ा सा इनको गोल्डन चश्मे के साथ में हमने दिखाया है, जो बाबूराव टाइप का जो चश्मा होता है वो वाला हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है थोड़ा सा। और दूसरा जो इनका लुक है, जूती वगैरह है, वो सारा एक थोड़ा बनिया वाला टाइप का दिखाया है इसमें। बाकी है तो पूरा मास लेवल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है, गाँव के लिए हमने दिखाया है, गाँव के लिए पूरा स्टोरी बनाई है, ये देख सकते हैं आप पूरा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कैरेक्टर की तरफ, जो हमने ये बनाए हुए हैं, ये पूरा ठेले वाला हमने बनाया है, जो साइकिल पे या फिर बाइक वगैरह पे दिखाते हैं सामान रख के बेचते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा एनहेंस करके थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया है कैरेक्टर को। इसमें हमने गुब्बारे वगैरह लगाए हैं पूरा, आप साइकिल के साथ में देख सकते हैं, पूरा कार्ट एक डिज़ाइन की है इसमें। वो थोड़ा सा, क्योंकि साइकिल चलाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटा तगड़ा आदमी नहीं दिखा सकते हैं, तो थोड़ा पतला हमने दिखाया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं पूरा एनवायरनमेंट, जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो पूरा डिजाइन किया गया है इसमें। हमने थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा सा शहरीकरण के साथ साथ थोड़ा गाँव टाइप का एक माहौल रखा है, कि जो दोनों चीज़ों से रिलेट कर पाए, गाँव से भी और शहर से भी। तो थोड़ा बिल्डिंग हमने बैकग्राउंड में भी दिखाई है, और थोड़ा सा हमने छोटे छोटे घर टाइप के दिखाए हैं जिनके नीचे दुकानें बनी हुई है। और ये थोड़ा सा हमने थोड़ा पुराने पुराने ज़माने का जो जिस तरह का होता है वो थोड़ा सा दिखाया है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, बच्चों को चीज़ें पसंद आती है कॉमिक टाइप का बनाने के लिए, और कैरेक्टर कार्टून में तो ऐसा होना ही चाहिए मेरे हिसाब से।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ हमने लगा दिया है केले का, ये आप देख सकते हैं पूरा 360 में। ये थोड़ा सा हमने एक शॉप वगैरह बना दी है, ठीक है। तो अब हम अपने मूव करते हैं, हमने किस तरह से इसको रखा हुआ है, प्लेसमेंट की है और सारा हमने डिजाइन किया है, और थोड़ा सा एनिमेशन में भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये चीजें चल रही हैं आपको अभी तो, क्योंकि स्टोरी तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो स्टोरी थोड़ा सा एक आपको समझ में आ जाएगी। आप देख लेते हैं पूरा कैरेक्टर के साथ में कि किस तरह से मूव कर रही हैं चीजें, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से ये चीजें अपना मैसेज पास कर रहे हैं एक दूसरे को। ये हमारा कैमरा फ्रेम हमने सेट कर दिया है, ये इसमें आप मूवमेंट देख सकते हैं, ये इनका क्लोजअप शॉट हो गया है। तो इस तरह से ये पूरा एनिमेशन बनता रहेगा। पूरी वीडियो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो उस पे आपको पूरा फाइनल वीडियो मिल जाएगा ऑडियो के साथ में, म्यूजिक के साथ में। तो इस तरह का हम एनिमेशन पे काम कर रहे हैं और 3D कैरेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एनिमेशन, प्रोडक्ट 3D प्रोडक्ट के भी दिखाए हुए हैं, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम हमने आपको दिखाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने थोड़ा कॉमिक टाइप का, क्योंकि कुछ नया नया चीज़ें हमारे क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं, क्योंकि जिसका जैसा प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। आप सभी भाइयों के लिए फूड एंड फन लेकर आया है एक उपहार योजना, जिसमें मिलेगा आपको कैश प्राइज। फूड एंड फन कंपनी का माल खरीदने पर अब मिलेंगे ढेरों कैश प्राइज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ कितना माल खरीदने पर मिलेगा? फूड एंड फन कंपनी आपको दे रही है 5 बैग खरीदने पर एक स्क्रैच कूपन, जिसमें है निश्चित कैश प्राइज। अरे भाई ये सिर्फ सेल्समैन के लिए है या फिर कुछ उपहार हम डीलर्स के लिए भी है? अरे भाई आपकी ही कड़ी मेहनत से तो हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, तो आप डीलर्स को कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए तो आप डीलर्स के लिए है बड़ा इनाम, जिसमें आपको 100 बैग खरीदने पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड, जिसमें है बहुत बड़ा कैश प्राइज, और वो भी निश्चित। थैंक यू फूड एंड फन कंपनी। फूड एंड फन कंपनी को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी सेल्समैन, सेमी होलसेलर, होलसेलर्स और डीलर्स का तहे दिल से आभार। और इसी खुशी में आप सभी को दिए जा रहे हैं ढेरों कैश प्राइज। तो देखा आपने कितना मजा आया ना, कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको ये सब देखने में। तो अभी क्या है कि बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स थे उनका एक सवाल भी था और उनकी एक कंप्लेंट भी थी हमसे कि आप लोग ऐसा चीजें दिखाते रहते हो, हमेशा प्रोडक्ट ही दिखाते हो, तो उनके लिए हमें कुछ चाहिए था, तो इसलिए हमने एक वीडियो डाला है। बाकी क्या है, इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, या आपको आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं या किसी भी तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस तरह की एडवर्टीजमेंट आपको करवानी है, जो भी है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।